स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ पी वाई क्यूज रिलेटेड टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर द ईयर 2021-22। जैसे ठीक है, फॉर सम क्वेश्चंस आई हैव नॉट रिटन द ऑप्शंस प्रोबब्ली बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट हियर। जैसे क्वेश्चन है, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड टू गिव डैश, है ना। तो पहले चीज तो वॉट इज व्हाइट फॉस्फोरस फॉर दैट मैटर, है ना। व्हाइट फॉस्फोरस तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया, इट इज पी फोर, इट इज एंड व्हाइट फॉस्फोरस इज वॉट, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, दैट एंगुलर स्ट्रेन इज बिकॉज द एंगल इन साइड पी फोर इज 60 degrees, and if I give you the structure, this is the structure for white phosphorus. Okay, now ab reaction dekhte hain. White phosphorus reacts with thionyl chloride to give dash. So what is thionyl chloride? Thionyl chloride is SOCl2. So if I look at the reaction between P4 and SOCl2 is, this gives me PCl3, SO2 plus S2 Cl2. ठीक है, एंड अच्छा ये थायनल क्लोराइड है, इसके जैसा ही एक और जो कंपाउंड है सल्फर का, दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड इज SO2 Cl2, एंड द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद सल्फ्यूरल क्लोराइड इट गिव्स मी PCl5 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यू कैन बैलेंस द रिएक्शंस, बट द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड हियर आर PCl3 इन फर्स्ट केस, थायनल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड S2 Cl2, इन केस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड इट इज PCl5 एंड SO2। देयर इज अ डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस विद बोथ द रिएजेंट्स। आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, here we have, you have to match the list 1 with list 2, you know, we have two lists here. First is heating of ammonium dichromate, second is reaction of KMnO4 with HCl, third is aluminium with NaOH and water, and fourth is sodium nitrite ka thermal decomposition. Theek hai, now if I pick up the reactions one by one, dekho, ammonium dichromate on heating it produces nitrogen plus water and Cr2O3. तो इसमें इनफैक्ट एनी नाइट्रोजन रिच कंपाउंड के डिसोसिएशन से द गैस विच इज रिलीज इज N2। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए इधर ऑप्शन आ गया मेरे पास, दिस इज N2। देन KMnO4 रिएक्शन विद HCl। देखो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे वॉट हैपन्स इज KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजेज HCl, इसको मैं लिख देती हूँ, दिस ऑक्सीडाइजेज HCl टू प्रोड्यूस क्लोरीन Cl2 प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस वाटर। ठीक है, आई कैन बैलेंस द रिएक्शन ऑन योर ओन, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज क्लोरीन। इन फैक्ट इफ आई टेल यू दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द ऑन स्पॉट प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर इज प्रिपेयर्ड इन द लैब
If you do not have it in a bottle or something, you need to prepare it on the spot. You can take some KMnO4 and add HCl to it. Third reaction देखते हैं, the reaction of aluminium with NaOH. Now this is very well known. Aluminium reacts with NaOH to give me sodium aluminate, that is NaAlOH whole 4, and gas released here is hydrogen. And looking at the fourth reaction, that is sodium nitrate का decomposition, है ना? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मैं डिस्कस करती हूँ. नॉट ओनली फॉर सोडियम, फॉर ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उनके नाइट्रेट्स का फॉर्मूला देखूँ, दैट इज लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, देन यू कैन हैव रुबीडियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट. ठीक है, नाउ द रिएक्शन शोन बाय सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो शोन बाय रेस्ट ऑफ द फोर एलिमेंट्स. एक जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, दैट इज लिथियम, है ना? अगर मैं इसका बताऊं साथ में, एंड आई कंपेयर इट हियर ओनली, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट स्टिल वी आर डूइंग कॉन्सेप्ट्स, सो वी कैन रिलेट देयर. नाउ सोडियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग, इट विल ऑल, सोडियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, कोई भी बाकी रेस्ट ग्रुप का नाइट्रेट हो, दिस इज गोइंग टू डीकम्पोज टू गिव मी नाइट्राइट एंड इट इज गोइंग टू रिलीज ऑक्सीजन. लिथियम नाइट्रेट ऑन द अदर हैंड, ऑन हीटिंग इट डीकम्पोजेस टू गिव द ऑक्साइड, इट रिलीजेस NO2 एंड ऑक्सीजन. तो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज ओनली स्पेसिफिक, दिस रिएक्शन इज ओनली डिफरेंट फॉर लिथियम. और उसका रीजन क्या है? बिकॉज लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज, it is highly polarizing, so because of this polarizing effect wo nitrate ion ko dissociate kar deta hai and it pulls out oxygen out of it. pure itne bade nitrate mein se wo ek chhota sa oxygen nikal leta hai, which is compatible with its size, and rest products are released. okay, so here I'll write the options. ye ho gaya chlorine, idhar aa gaya hydrogen, and here NaNO3, it releases oxygen. okay, so this was the concept here. moving over to the third question, ye dekho. the total number of acidic oxides from the following list is given, and you have to matlab tell the total number of acidic oxides from the given oxides here. theek hai, now one thing, since you can note all the oxides here are non metallic oxides, to main pehle concept de deti hu. dekho, my non metallic oxides or for that matter even if I talk of my metallic oxides, hai na, ek jo hum general cheez padhte hain wo to humne kya padha ki non metallic oxides are acidic and metallic oxides are basic, but one thing to note here is ki aapka koi bhi non metal hai, नॉन मेटल का ऑक्साइड इन इट्स लीस्ट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल. और एम्फोटेरिक फॉर दैट मैटर, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, है ना? ऐसे ही मेटालिक ऑक्साइड्स में भी, जो मेटालिक ऑक्साइड है, इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर और द हाइएस्ट वंस, है ना, जो हायर एंड की तरफ होते हैं, हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे वुड अगेन फ्रॉम बेसिक कैरेक्टर दे विल मूव फ्रॉम एम्फोटेरिक, एंड फ्रॉम एम्फोटेरिक दे विल मूव टू एसिडिक. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर. अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन इज +2, +1, +3, +5, +2, +6, एंड हियर +5. ठीक है, तो सीधी चीज जो इसमें से निकलती है, नॉन मेटल्स में अपना मैक्सिमम स्टेट तो आप देख ही लो,
एसिडिक वाले तो डेफिनेटली कौन से होंगे, जब नॉन मेटल अपने मैक्सिमम क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी एसिडिक. तो फ्रॉम हियर वी कैन पिक आउट द एसिडिक वंस. अगर हम इनको मार्क कर लेते हैं तो ये देखो फॉस्फोरस हियर इज इन द मैक्सिमम स्टेट, SO3 इज इन द मैक्सिमम स्टेट हियर, देन बोरॉन हियर इज इन द मैक्सिमम स्टेट एंड N2O5 इज इन द मैक्सिमम स्टेट. सो यहाँ पे द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स आर 4, ठीक है. एंड द रेस्ट विच आर लेफ्ट NO N2O दे आर टूवर्ड्स दी लोअर साइड. इनफैक्ट दीज थ्री ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है. सो इफ यू हैव आई मेक अ टेली फॉर यू लाइक दिस, वेर यू हैव द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट गोइंग ऑन टू द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ वेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू आर मूविंग फ्रॉम बेसिक टू एम्फोटेरिक टू एसिडिक. ऐसे देखो नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है तुम्हारा. बेस्ड ऑक्साइड्स का ही नेचर आपने बताना है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है कि एसिडिक है. तो आ जाओ लेट्स लुक. नाउ Cl2O7 हियर क्लोरीन इज इन द मैक्स स्टेट, मैक्सिमम स्टेट नॉन मेटल. तो ये तो क्या हो गया एसिडिक, ठीक है. देन वी हैव सोडियम ऑक्साइड. अब सोडियम ऑक्साइड इज एन एल्केली मेटल का ऑक्साइड है ना, मेटल है लेकिन एस ब्लॉक का है. दिस इज डेफिनेटली डेफिनेटली बेसिक, ठीक है. ये आप याद रख सकते हो, मेरे एस ब्लॉक में माई एस ब्लॉक आर के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म एक तो ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइड है ना, वेरी तो करता नहीं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट. दे आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक. एस ब्लॉक के तो सारे जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड. तो एन बट सोडियम ऑक्साइड हियर इज बेसिक. देन Al2O3 वी नो इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, तो ये हो गया एम्फोटेरिक. N2O यू हैव जस्ट डन, दिस इज न्यूट्रल है ना. द कॉन्सेप्ट इज सेम विच वी हैव डन. सो दिस वॉज माई फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो बच्चे, द ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन इन द प्रोडक्ट बी इज व्हाट. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्राइड है ना. अब सोडियम हाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोई भी हाइड्राइड के साथ BF3 इज रिएक्टिंग, तो ए तो क्या बनता है B2H6, दैट इज डाइबोरेन. नाउ डाइबोरेन इज बेसिकली अ मोनोमर ऑफ व्हाट, BH3, सॉरी इट्स अ डायमर ऑफ BH3 लाइक दिस. अब जब इसमें हम BH3 के खाली यूनिट की आप बात करते हो है ना, इफ आई टेक दिस एज BH3 होल्ड वाइज, ये जो सिर्फ BH3 का यूनिट है दिस इज एक्चुअली अ ल्यूइस एसिड बिकॉज बोरॉन का इसमें यूनिट में देखोगे बोरॉन BH3 में बोरॉन इज ओनली हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स अलाउंड अराउंड इटसेल्फ, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना. सो व्हाट इट डज इज दिस BH3 और आगे इट हैज NME होल थ्राइस, दैट इज ट्राइमिथाइल अमोनिया. इसमें नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर, इट फॉर्म्स एन एडक्ट विद BH3 लाइक दिस. अच्छा तो क्वेश्चन अब यहाँ पे है कि ज्योमेट्री बतानी है आपने बोरॉन के अराउंड इन दिस एडक्ट. उसमें अगर आप देखो
बोरॉन वॉज हैविंग फर्स्ट सिंपली थ्री हाइड्रोजन्स, फिर NME3 की वजह से देर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक दिस. सो नाउ बोरॉन इज एक्चुअली सराउंडेड बाय फोर सिंगल बॉन्ड्स. सो हियर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज SP3 विच इज टेट्राहेड्रल. सो द ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन हियर इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, फॉर दैट मैटर अगर आप डाइबोरेन में भी देखो, उसमें अगर स्ट्रक्चर देखो तो वी हैव टू हाई फोर हाइड्रोजन्स इन सेम प्लेन. एंड टू हाइड्रोजन्स इन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, जिसको आप क्या बोलते हो, और बनाना बॉन्ड्स. इसमें भी जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज SP3, है ना, जैसे भी है, बट बोरॉन इज सराउंडेड बाय फोर हाइड्रो बोरॉन इज हैविंग सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन हियर. सो बोरॉन इज का हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन इज SP3. जाओ नेक्स्ट चलते हैं. हाँ नेक्स्ट देखो, द इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सेस ऑफ फ्लोरीन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इज. ठीक है, पहले तो आ जाओ, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हैलोजन्स, मेरे हैलोजन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से हो सकते हैं. आई कैन हैव +1, +3, +5 एंड +7. ये स्टेट्स है मेरे पास, है ना. अब क्या होता है, अगर आप इसके अंदर देखो, जो +1 वाला स्टेट है दैट इज ऑफन कॉल्ड एज अ हाइपोहेलाइट. हाइपो हेलाइट. +3 वाला स्टेट इज कॉल्ड एज अ हेलाइट. +5 इज कॉल्ड एज अ हैलेट. एंड +7 द लास्ट एंड द मैक्स वन इज कॉल्ड एज दी परहैलेट. तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ना कॉमन ग्रुप नेम्स कह सकते हो. ठीक है, अब इसमें फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सेस ऑफ फ्लोरीन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इज. ठीक है, अच्छा एक इसमें से थोड़ा सा हम अपना साइज भी डिस्कस कर लेते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. नाउ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्या है, यू हैव बॉन्ड्स बिटवीन हैलोजन ओनली, है ना. फ्लोरीन इज हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज वाइल आयोडीन इज हैविंग द लार्जेस्ट. सो आयोडीन हैविंग द लार्जेस्ट साइज, सबसे मैक्सिमम रेशियो जो आता है वो आयोडीन का फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनता है नोन एज IF7, है ना. ये देखो ये रेशियो कितना आ गया, 1:7 टाइप्स. तो यहाँ पे आयोडीन का स्टेट भी अगर आप देखोगे कितना है, +7. तो दिस इज एक्चुअली अ पर हैलेट. आयोडीन ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन फॉर्म्स IF7. बट इफ आई गो टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन दोनों के लिए कॉमन बता रही हूँ, इन दोनों का साइज इज स्मॉलर देन आयोडीन. तो एटलीस्ट ये 7 फ्लोरीन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते. ये दोनों ही जो इनका मैक्सिमम इंटर हैलोजन स्पीशीज बनता है दैट इज 5 लाइक दिस, है ना. तो यहाँ पे जो रिएक्शन है मेरा, व्हेन यू आर रिएक्टिंग ब्रोमीन विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, तो मैक्स टू मैक्स फ्लोरीन लगेगा एंड फ्लोरीन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना बनता है, BrF5. BrF7 नहीं बनता, जबकि वो देखने में लगता है कि फ्लोरीन एक्सेस में डाल दिया तो जी सारा ही 7 लग जाएंगे, पर लग नहीं पाएगा बिकॉज इन दोनों में साइज इज स्मॉलर देन आयोडीन. सो इट कैन नॉट अकोमोडेट 7 फ्लोरीन, 5 तक कर लेता है. आयोडीन इज द लार्जेस्ट वन, आयोडीन कैन अकोमोडेट मैक्स मैक्स स्टेट वाला. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा, कौन सा आ जाएगा, 5 वाला क्या है मेरा, हैलेट. ठीक है नेक्स्ट देखो, अ सब्सटेंस ए ऑन हीटिंग गिव्स मी रेड फॉस्फरस. रेड फॉस्फरस अगेन ऑन हीटिंग एट 803 केल्विन अंडर प्रेशर गिव्स बी.
वॉट इज बेसिकली हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई इज दिस ए एंड बी. देखो वी वेरी वेल नो रेड फॉस्फरस इज एन एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फरस, है ना, जो बनता है हीटिंग के बाद. देखो और एक चीज हमने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि सबसे रिएक्टिव फॉर्म जो रिएक्ट करता है फॉस्फोरस का वो क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस. सो ए हियर इज वाइट फॉस्फोरस, है ना, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं. बट व्हेन, ये देखो इसका स्ट्रक्चर बताया था ऐसे ना, समथिंग लाइक दिस. बट व्हाट हैपेंस इज इफ यू ब्रेक ओपन, पी फोर मॉलिक्यूल्स हीट करके ऊपर से. सो व्हाट हियर आई गेट इज माय रेड फॉस्फरस, है ना, दीज आर ऑल फॉस्फरस एटम्स हियर. बॉन्डिंग इज बिटवीन पी, दीज आर ऑल फॉस्फरस एटम्स, दिस इज रेड फॉस्फरस. सो व्हाइट फॉस्फरस ऑन हीटिंग, वन ऑफ द बॉन्ड ब्रेक्स जॉइंस टू ईच अदर टू गिव द चेन्स ऑफ फॉस्फरस लाइक दिस, दैट इज रेड फॉस्फरस. अब रेड फॉस्फरस को आप फर्दर हीट करते हो, देर आर टू एलोट्रॉप्स विच कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ब्लैक फॉस्फरस. दो टेम्परेचर इसमें आप याद रख सकते हो, इफ इट इज हीटेड टू अराउंड 803 केल्विन, व्हाट आई गेट इज अल्फा ब्लैक फॉस्फरस ठीक है, वाइल एट 473 केल्विन, दो टेम्परेचर्स हैं, ये आपको मिलेगा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. इन दोनों में देयर इज अ डिफरेंस इन द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोरस स्पीशीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स ठीक है. सो हियर वी आर हीटिंग टू 803 केल्विन, तो मेरा जो बी है दिस इज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस. अल्फा बीटा का सिर्फ डिफरेंस बनता है इस टेम्परेचर में, अंडर प्रेशर दोनों ही हैं, दिस ओनली अ डिफरेंस इन दी टेम्परेचर्स ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं आगे. हाँ नेक्स्ट देखो, व्हाइट प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड व्हेन बेरियम क्लोराइड वॉज एडेड टू अ सॉल्ट सोल्यूशन, फर्दर अ गैस एक्स वॉज रिलीज ऑन ट्रीटिंग प्रेसिपिटेट विद डायल्यूट एच सी एल, दी एनायन विच इज प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज डैश, एंड देर आर ऑप्शन गिवन टू यू, है ना. तो भी देखो दो चीजें बताते हैं, एक तो आपको बेरियम क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है इट कुड बी ऑफ सल्फाइट आयन ऑल्सो, इट कुड बी ऑफ सल्फेट आयन ऑल्सो. तो यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फाइट, यहाँ पे आई गेट बेरियम सल्फेट, दे बोथ आर वाइट प्रेसिपिटेट्स, दिस इज ऑल्सो अ वाइट पीपीटी, दिस इज ऑल्सो अ वाइट पीपीटी, है ना. बट द डिफरेंस बिटवीन देम, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इट लाइज इन द नेक्स्ट स्टेप. क्या होता है, इन दोनों में ही आप क्या डाल दो, एच सी एल. आई वुड रादर से कि कॉन्क डाल दो, बिकॉज थोड़ा सा भी वाटर होगा, डाइल्यूट डालोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा. बट नन द लेस इफ यू एड एच सी एल हियर, दिस बेरियम सल्फाइट इन एच सी एल, इट विल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड बेसिकली द प्रेसिपिटेट विल डिजोल्व, इट विल डिजोल्व रिलीजिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस. बेरियम सल्फेट इन कॉन्क एच सी एल इज नॉट सॉल्यूबल, देर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग एच सी एल ऑन बेरियम सल्फेट वाला वाइट पीपीटी. तो जो बेरियम क्लोराइड का टेस्ट है इट इज गिवन बाय सल्फाइट एज वेल एज सल्फेट, तो दैट इज नॉट द फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप है कि जो व्हाइट पीपीटी बना है वो किसमें सॉल्यूबल हो रहा है कि नहीं, मतलब एच सी एल में सॉल्यूबल हो रहा है कि नहीं हो रहा. इफ इट इज गेटिंग सॉल्यूबल इन एच सी एल तो इट इज सल्फाइट, सॉल्यूबल नहीं हो रहा तो इट इज सल्फेट. हेंस द एनायन प्रेजेंट इन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज सल्फाइट आयन, बिकॉज इसमें लिखा है अ गैस एक्स वॉज रिलीज ऑन ट्रीटिंग प्रेसिपिटेट विद डायल्यूट एच सी एल, दिस इज सल्फाइट एंड बेसिकली दैट गैस एक्स इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस.
आ जाओ, ये मैंने प्रैक्टिकल वाला ही क्वेश्चन डाला है। देखो, इज अ लिस्ट ऑफ द आयंस गिवन एंड उनके ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द सेकंड लिस्ट। सो व्हाट इज बेसिकली इज देयर, यू हैव टू मैच। ठीक है, आ जाओ, उसको हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, जो कार्बोनेट आयन है, व्हेन यू हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड आयन रिलीजेस H2S। सल्फाइट आयन इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड फाइनली NO2- इट रिलीजेस NO2। ठीक है, ये तीन गैसेस तो मेरी हैं कलरलेस। NO2 वी नो इज ब्राउन इन कलर। तो जो फर्स्ट हमारा मैच हो जाता है वो तो ये हो जाता है, NO2- इज ब्राउन फ्यूम्स, है ना, वो यहीं से ही हम इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कलरलेस गैस तो बाकी है। आगे देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है टर्न लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, दैट इज डन बाय सल्फाइड आयन्स। दे रिएक्ट विद लेड एसिटेट टू गिव मी PbS, दैट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, द सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम सल्फाइट व्हेन इट रिएक्ट्स विद K2Cr2O7, इट्स बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये SO2 एक्ट्स एज दी रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसको रिड्यूस कर देता है, नॉट Cr2O3, आई वुड रादर से क्रोमियम आयन्स में, दैट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, एंड थर्ड मेरा कौन सा बचा, सल्फाइड कार्बोनेट, वो तो भी वेरी वेल नो, इट टर्न्स लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की, है ना, वो एफर्वेसेंस वर्ड से भी निकाल सकते थे। ये देखो, सो कार्बोनेट हेयर इज कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। सल्फाइड इट टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। सल्फाइड टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन। और ये वर्ड जहां आता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड।